एक अभिनेत्री जिसे सभी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। नमस्ते। नमस्ते। आइए, तस्वीर लाइए। अशोक कुमार से लेकर सुपरस्टार राजेश खन्ना तक सभी कलाकार उनके लाजवाब अभिनय के गवाही थे। बतौर बाल कलाकार उनका काम लोगों को इतना पसंद आता था कि जब वो बड़ी हुई तो भी उनकी पहचान बदली नहीं। अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में करने के बाद उन्हें सिर्फ एक फिल्म में वैम का किरदार निभाने का मौका मिला। आम? क्या बात कर रहे? तुम आम नहीं, खास हो, बहुत खास। जी हाँ, आप सबकी बड़ी चहेती अभिनेत्री डेजी ईरानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। मैं सुनाती हूं फिल्मी कहानियां, किस्से और भी बहुत कुछ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। डेजी ईरानी का जन्म एक पारसी परिवार में 17 जून 1950 को मुंबई में हुआ था। उनके पिताजी नौशीर ईरानी होटल चलाते थे तो माताजी पेरिन हाउसवाइफ थी। पेरिन और नौशीर के 5 बच्चे थे, मेनका, बन्नी, सरोश, डेजी और हनी। पेरिन ईरानी की इच्छा थी कि उनके बच्चे फिल्मों में अभिनय करें, पर सभी बच्चों से पहला नंबर डेजी ईरानी का लगा। उसके बाद जब भी डेजी ईरानी के पास डेट नहीं होते थे तो माँ पेरिन अपने बाकी बच्चों की सिफारिश करने लगी। इसीलिए डेजी के बाद सबसे छोटी बहन हनी का नंबर लगा। उनका ये गाना तो आपने सुना ही होगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। छोटी सी हनी ईरानी इस गाने में बड़ी क्यूट दिखती है। इसके बाद 1963 में माँ खुद प्रोड्यूसर बन गई और अपनी पहली फिल्म बचपन में सबसे बड़ी बेटी मेनका को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया। आपको पता नहीं होगा पर डेजी ईरानी के दोनों भाई बन्नी और सरोज ने भी बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया है। 1960 और 63 के बीच ये फिल्म रिलीज हुई, मासूम, सौतेला भाई, मनमौजी, आरती, गृहस्थी। इन फिल्मों में सरोज ईरानी ने काम किया था। ये तो हुई उनके परिवार की बात। अब डेजी ईरानी के मजेदार सफर की बात करते हैं। माँ की वजह से उन्हें फिल्मों में अभिनय करना पड़ता था, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। पर डेजी ईरानी को पता ही नहीं था कि ये लोग उनसे एक्टिंग करवा रहे हैं। माँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जैसा बोलते वैसा डेजी ईरानी कर लेती थी, इसीलिए एक्टिंग की खूबी उनमें कैसे आई ये डेजी ईरानी को पता नहीं। पर बाकी लोगों की वजह से उन्हें स्टार कलाकार का दर्जा मिला ये डेजी ईरानी मानती हैं। मात्र 3 साल की उम्र से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उसके बाद आज 69 साल गुजर जाने के बाद भी वो एक्टिंग कर रही हैं। इसका मतलब अभिनेत्री सुलोचना के बाद डेजी ईरानी अकेली अभिनेत्री हैं जिन्होंने लगभग 70 साल फिल्म जगत में गुजारे। आपको बता दूं कि अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने 80 साल फिल्म जगत में गुजारे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अभिनेत्री कामिनी कौशल का नाम आता है। इस हिसाब से डेजी ईरानी के लिए ये अभिमान की बात है। वैसे तो उन्होंने 1953 से फिल्मों में काम करना शुरू किया था, पर 1955 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, बंदिश। अपने शुरुआती करियर में उन्हें लड़के के रोल मिलते थे, इसलिए फिल्मी पर्दे पर उनका क्रेडिट रूप कुमार के नाम से आता था। लड़कों के किरदार निभाते निभाते वो पूरी तरह से टॉम बॉय बन गई, इसीलिए लड़की के रोल में भी वो लड़कों की तरह बात करती थी। इस पर दूसरे कलाकार और डायरेक्टर डांट देते थे। कभी कभी चॉकलेट और खाने की चीजें दिखाकर उनसे अभिनय करवा लेते थे तो कभी डांट लगाकर डायलॉग बुलवाते थे। जब भी रोने का शॉट देना होता था तो डायरेक्टर जोर से चुटकी लेते थे। अंततः इन सभी बातों का फायदा आज भी उन्हें हो रहा है। एक दिन अशोक कुमार के साथ 21 टेक देने के बाद भी वो सही तरह से डायलॉग बोल नहीं रही थी। ये देखकर उनकी माँ डायरेक्टर से बोली, वो थोड़ा घबरा गई है, उसे मैं घुमा के लेकर आती हूँ। फिर गाड़ी में बिठाकर उनकी माँ ने उन्हें वायर से मारा। साथ में ये भी कहा कि
कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर डेजी ईरानी ने तुरंत ही ओके शॉट दे दिया। एक इंटरव्यू में डेजी ईरानी ने इस बात को कबूला भी है कि माँ के साथ उनका रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, पूरे परिवार में वो अकेली कमाती थी। डेजी ईरानी के पैसों पर घर चलने लगा था, ऐसे में माँ उनसे जबरदस्ती काम करवा लेती थी। बचपन से फिल्मों में काम करने के कारण अशोक कुमार और मीना कुमारी को ही वो अपने माता पिता समझती थी। एक फिल्म में मीना कुमारी को डेजी को चांटा मारना था। कई सारे टेक देने के बाद भी मीना कुमारी सही से चांटा मार नहीं रही थी। वो डायरेक्टर को बोलने लगी कि वो इतनी छोटी बच्ची को छू भी नहीं सकती। इसके बाद मीना कुमारी ने सचमुच का चांटा जड़ दिया। चांटा खाने के बाद डेजी ईरानी तो रोई नहीं, पर मीना कुमारी के आंसू रुक नहीं रहे थे। छोटी डेजी ईरानी को समझ नहीं आ रहा था कि मीना कुमारी क्यों रो रही है। डेजी ईरानी के जीवन की सबसे सफल फिल्म नया दौर है। जब इस फिल्म को कलर में दोबारा रिलीज किया गया, तब डेजी ईरानी को पता चला कि उन्होंने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। फिल्मों में हमेशा बिजी होने के चलते उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो नहीं पाई। हम पंछी एक डाल के 1957 में रिलीज हुई इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, इसलिए डेजी ईरानी को बाकी बाल कलाकार के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने जाना था। माँ ने उन्हें एक इंग्लिश की लाइन चाचा नेहरू से कहने को कहा। उस लाइन को उन्होंने गलत तरीके से बोल दिया। इसके बाद चाचा नेहरू ने डेजी से कहा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती? फिर उन्होंने डेजी की माँ को एक सिफारिश पत्र लिख कर दिया। चाचा नेहरू ने उनसे कहा कि इस खत में जिस स्कूल का नाम है वहाँ जाकर बच्ची का एडमिशन करवाओ। माँ ने उस स्कूल में डेजी ईरानी का एडमिशन तो करवा लिया, पर उस वक्त डेजी ईरानी 8 साल की थी। 8 से 11 साल तक वो सिर्फ चौथी कक्षा में बैठी। तीसरी बार फेल होने के बाद खुद टीचर ने उन्हें कहा, अगर इस बार भी चौथी में बैठना है तो तुम बैठ सकती हो। इसके बाद डेजी ईरानी दोबारा स्कूल गई नहीं। आपको बता दूं कि इसके पहले डेजी ने 28 टीचरों को घर से भगा दिया था। टीचर्स उनकी माँ को बोल देते थे कि इस बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते। एक्टिंग के अलावा उनका मन सिर्फ खेल कूद में लगता था। मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में डेजी ईरानी ने इस बात को कबूला भी है कि हम पंछी एक डाल के फिल्म की शूटिंग के दौरान एक गार्जियन ने उन्हें प्रताड़ित भी किया था। तो इस तरह से उनका बचपन बीता। बड़े होने के बाद भी उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कटी पतंग जैसी फिल्मों में काम किया, पर लोगों ने उन्हें बाल कलाकार के रूप में ही पसंद किया। ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जिनमें लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था, तो इसको देखते हुए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। साल 1971 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के शुक्ला से प्रेम विवाह कर लिया। के शुक्ला बहुत बड़े लेखक रह चुके हैं। इस शादी के लिए डेजी ईरानी ने हिंदू धर्म अपना लिया। आपको बता दूं कि डेजी ईरानी का जन्म पारसी परिवार में जरूर हुआ था, पर उनकी माँ ने 1956 के साल में मुस्लिम धर्म अपनाया था, इसीलिए डेजी ईरानी को भी उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ बड़ा किया। 1971 के बाद भी उनकी माँ के साथ डेजी के प्रॉब्लम चल रहे थे, इसलिए वो दिन में 60 सिगरेट पीने लगी। इस गंदी आदत के कारण डेजी की पहली संतान जन्म से पहले ही मर गई। आपको बता दूं कि डेजी को 3 संतान है, कबीर, रीतू, वर्षा। सबकी शादी हो चुकी है और कबीर को छोड़कर किसी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा। कबीर जी टीवी चैनल में काम करते हैं। सिगरेट की आदत के वजह से डेजी बहुत परेशान रहने लगी। फिर किसी एक दोस्त ने उनसे कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म अपना लो। डेजी ईरानी का कहना है कि जब से उन्होंने जीसस में यकीन रखना शुरू किया, तब से उनकी सारी मुश्किलें दूर हुई। ईसाई धर्म अपनाने के बाद वो 15 साल तक के शुक्ला को मनाती रही। उसके बाद उन्होंने भी जीसस में यकीन रखना शुरू किया। फिर 4 साल बाद तुरंत ही के शुक्ला की मृत्यु हो गई और डेजी ईरानी दोबारा फिल्मों में आ गई। इस बार उन्होंने टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया। देख भाई देख उनकी पहली सीरियल थी। टीवी सीरियल के कारण डेजी ईरानी का नाम घर घर में छाने लगा। 80 के दौर में उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था, जिसमें सलमान खान और चंकी पांडे जैसे कलाकारों ने अभिनय का प्रशिक्षण दिया। इस स्कूल में अजीब अजीब प्रकार के लोग एडमिशन लेते थे,
इसीलिए उन्हें ये स्कूल बंद करना पड़ा। आज के दौर में डेजी ईरानी 72 साल की हो चुकी है और आज भी उतनी ही फुर्तीली भी है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।